मेरे ससुर साहब ने मुझको मारने की धमकी दिया है, मोबाइल में फोन में भी धमकी दिया है, जान से मारने की धमकी दिया है। वजह क्या थी? पैर तोड़ देंगे। वजह क्या थी? मेरी बीवी वहाँ से गांव मेरे घर से मेरे जेवरात अपने जेवरात सब चुरा कर ले आई है और अपने मायके में बैठी हुई है, न वो आ रही है न मेरे ससुर भेज रहे हैं। अच्छा। गया था तो उसमें मार जो हम बहुत मतलब हम लोग दो भाई गए थे तो उसमें हमको शाम के टाइम काफी गाली गलौज किया, मारने की धमकी दिया, जान से मारने की जान से मारने की धमकी दिया, हाथ पैर तोड़ देंगे, खटिया में बैठा देंगे, अपंग बना देंगे। अच्छा। नहीं तो ये आपकी वाइफ जो है बेंगलोर से जो है पैसा लेकर के सोना लेकर बेंगलोर से सोना और पैसा लेकर जेवरात लेके जेवरात लेकर के कितनी कीमत का जेवरात होगा? ये मेरा हिसाब से टोटल 35-40 लाख का जेवरात है पूरा लेके आ गई है। अच्छा कितने दिन हो गए श्रीवास्तव जी? ये हो गए करीब एक साल के ऊपर हो रहा है और एक साल तक हो रहा है नियर अबाउट। हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी मैं उनको समझा रहा हाँ। कि अब कोई बात नहीं, जो हो गया वापस आ जाओ। हाँ, हाँ। और अपना सामान लेके आ जाओ। हाँ, हाँ। तो ससुर साहब ने बोला कि सामान रखा है अभी नहीं मिलेगा। लास्ट में अभी जब रक्षाबंधन में गई थी अपने मायके तब मैंने बोला चलो और सामान ले लो अपना जेवर ले लो, तो ससुर साहब मैं उसको धमकी देने लगे। आपको हम उसको क्या कहे? नहीं जाएगी और नहीं सोना चांदी कुछ नहीं मिलेगा तुमको और जाओ यहाँ से, नहीं भी मार के फैला देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या आपने जैसे एप्लीकेशन में उल्लेख किया है, क्या आपके ससुर ने कोई हत्या हत्या की, कत्ल पहले आरोपी हाई कोर्ट से मतलब एक मुलजिम है, 300 के मुलजिम है। अच्छा, हत्या में? हत्या में। अच्छा, हाई कोर्ट के जेल पर है जमानत। आपको भय है, इस चीज का डर है? मेरे को बहुत भय है और फोन में भी मुझको दूसरे दिन धमकी दिया है कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा।